Breaking lie of Maulana and Mufti on my channel, Ex-Muslim Sahil Official, stay tuned. अच्छा गारिब भाई, आज का जो टॉपिक है ये जीशान अहमद जुड़े हैं। जीशान भाई, आपको एक्स मुस्लिम जीशान तो नहीं हो? नहीं नहीं नहीं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये गारिब भाई के साथ आप 2 मिनट बात करिए, मैं जरा पानी का बंदोबस्त करके आता हूँ। गारिब भाई, इनसे बात करो टॉपिक पे, नमाज जो है वो नमाज पढ़ने या ना पढ़ने से अल्लाह को फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? अगर फर्क पड़ता है तो फिर वो अल्लाह मोहताज है, और अगर नहीं फर्क पड़ता तो उसने फिर सजा क्यों रखी है? ये असल ये टॉपिक है, आप इनसे जरा बात कीजिए, मैं जरा पानी का जुगाड़ करके आता हूँ। ठीक ठीक ठीक। तो जीशान भाई क्या कहना चाहेंगे टॉपिक पे? आप बता दीजिए जी, आप बता दीजिए क्या कहना चाह रहे हैं। मुद्दा तो सामने साहिल भाई रखे गए हैं कि भाई नमाज पढ़ने से अल्लाह को फर्क पड़ता है या नहीं। कहाँ गए साहिल भाई? साहिल भाई से ही मिलना था अपन को। आ जाएंगे अभी। अच्छा, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा जाता है नमाज से, और ऊपर से भी बोल से कि अल्लाह को तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम्हें अल्लाह की जरूरत है। हाँ वो तो जरूरत है हमारे को, अल्लाह को क्यों हमारी जरूरत है भाई? अल्लाह को हमारी जरूरत नहीं है भाई, हमको हमारे अल्लाह की जरूरत है। ठीक है, हाँ तो अल्लाह को आपकी जरूरत नहीं है भाई, तो फिर आपकी नमाजों की जरूरत कैसे हो जाती है? अल्लाह को नमाजों की जरूरत नहीं है, अल्लाह को आजमाइश की जरूरत है। आजमाइश की जरूरत? हाँ एग्जाम है ना, एग्जाम, एग्जाम में बैठना है, पास होना है। जीशान भाई, जीशान भाई मुझे एक बात बताइए कि जो आजमाइश है वो किस पे होना चाहिए? आजमाइश इस बात पे होना चाहिए कि आप किसी का कत्ल करते हो, आपको कत्ल नहीं करना चाहिए, ये आपकी आजमाइश है। आप किसी का रेप करते हो, आपको रेप नहीं करना चाहिए, ये आजमाइश है। आप किसी को धोखा देते हो, आपको धोखा नहीं देना चाहिए, ये आजमाइश होती है। नमाज पढ़वा के अल्लाह को क्या मिल रहा है? खुद की इबादत करवा के क्या मिल रहा है अल्लाह को? क्या फर्क पड़ रहा है उसको? अल्लाह अपन को आजमाता है ना साहिल भाई। आजमाने का तो मैंने बता दिया ना, आजमाइश आपकी जो है अच्छे और गलत कामों में हो सकती है, मैंने कुछ मिसालें भी आपको दी। यहाँ पे सवाल उस पे नहीं है, हम इस बात पे नहीं। अभी थोड़ी देर पहले अगर आपने सुना होगा, जाकिर हुसैन साहब जो आए थे, मैंने उनको कहा कि अगर इस बात पे आप पनिशमेंट दे रहे हो, पकड़ रख रहे हो कि भाई आप झूठ बोलोगे तो आपको पनिशमेंट देगा, ये आपकी आजमाइश है, और ये रेप करोगे तो, कत्ल करोगे तो, धोखाधड़ी करोगे तो, रिश्वत लोगे तो, रिश्वत दोगे तो यहाँ तक तो समझ में आता है, इस पे कोई मुझे जो है सवाल नहीं है। लेकिन खुद की बड़ाई करवाना, खुद की इबादत करवाना, नमाज पढ़वाना अपने नाम की, इससे अल्लाह को क्या मिल रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है अल्लाह को, वो बताइए, ये सवाल है। सवाल का जवाब ये है साहिल भाई कि अल्लाह की मखलूक है हम, तो अल्लाह कैसे चाहेगा, कैसे वो कैसे डिमांड्स रखेगा। अभी एग्जांपल, मैं 100 रोबोट बना दिया कंपनी से, तो 100 रोबोट को मैं जैसे चाहता हूँ वैसे ही मूवमेंट करने की एक चिप डाल दूंगा मैं। नहीं ठीक है, वो ठीक है। देखिए वो ठीक है कि आप रोबोट को किस तरीके से बनाना चाहते हैं वैसे आप बनवा रहे हो, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। आप रोबोट को जिस तरीके से भी बनवा रहे हो, कहीं ना कहीं वहां पे एक मकसद होता है आपका। यानी अगर आप रोबोट बना रहे हो एक चीज बनाने की, आपकी प्रोडक्ट की, तो वहां पे उसका माना होता है, उसका मकसद होता है, उसका आपका एम होता है कि मैं रोबोट ऐसा बनाऊंगा जो ये काम करेगा, जो मुझे इस तरीके से हेल्प करेगा या मेरा ये काम निपटाएगा। समझ रहे हैं आप? हाँ, उसी तरीके से अल्लाह अगर ये चीज बना रहा है
और उसने ये चीज कंपलसरी की है और उस पर पनिशमेंट रखा है, तो उससे अल्लाह को क्या हासिल हो रहा? अल्लाह ने इसीलिए ऐसे ही बनाया इस इंसान रोबोट को जो गलत काम भी करे और अच्छा काम भी करे। गलत काम भी करे, सुनो ना सुनो ना, मेरी बात को पहले सुनो ना। गलत काम करो इन द सेंस के मैं गलत काम करने के लिए अल्लाह पैदा किया, ये नहीं बोल रहा। फिर मेरे मुंह में तुम वो मत डालो जुबान, मतलब ये एक अलग टॉपिक है, इस पे हमने डिस्कशन। सुनो ना सुनो ना, मैं थोड़ा तुम बात जो मैं पूछा उसका जवाब नहीं दे रहे हो, प्रॉब्लम ये है। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं क्या है सवाल, पूछिए पूछिए जी पूछिए। हाँ मैं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ये सवाल नहीं कर रहा हूँ कि गलत काम सही काम दोनों अल्लाह ने डाले क्यों डाले, ये टॉपिक हमारा हो चुका है और फिर कभी हम इसको लेंगे, आज सवाल वो नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि थोड़े देर के लिए मैं मान लेता हूँ कि अल्लाह ने अगर टेस्ट रखा है और पनिशमेंट रखा है तो पनिशमेंट होना चाहिए आपके अच्छे और गलत काम के ऊपर। ये क्या बात है कि अल्लाह खुद जो है अपनी बड़ाई करवाना चाह रहा है और इबादत करवाना चाह रहा है, नमाज पढ़वाना चाह रहा है, और आपके नमाज पढ़ने से वो खुश हो जाता है या फिर आपके नहीं पढ़ने से वो नाराज हो जाता है, गुस्से में आ जाता है, उसको आपको पनिशमेंट देगा, इससे आप अल्लाह को क्या मिल रहा है? सवाल ये है, अल्लाह को यही मिल रहा है कि हम उसके एग्जाम में टेस्ट हो पा रहे हैं या नहीं। कैसे? अरे सर को हाथ मत लगाओ, इधर सुनो ना, एग्जाम यही है ना, नमाज भी है इधर, अय्याशी भी है ना इधर, नमाज भी है अय्याशी भी है। साहिल भाई इधर हंसो मत, मैं भी हंस सकता हूँ। हंसने वाली बात कर रहे हो, देखो मैंने फिर से कहा आपको, टेस्ट जो होता है वो अच्छे काम और बुरे काम में हो सकता है, टेस्ट सही या गलत में हो सकता है टेस्ट। मैं ये पूछ रहा हूँ कि नमाज पढ़ा के अल्लाह को क्या मिल रहा है, उसमें तो कोई आजमाइश भी नहीं है, यानी अल्लाह जो है वो इस बात का मोहताज, अगर वो खुश होता है। जन्नत नहीं चाहिए तुम्हें, जन्नत नहीं चाहिए तुम्हें। अरे वो जन्नत किस पे होना चाहिए, नमाज पढ़ने पे होना चाहिए कि अच्छे और बुरे काम करने पे होना चाहिए? अच्छा नमाज पढ़ने से पहले तो इसकी हिकमत जानो तुम। नमाज पढ़ने से हिकमत है इसके ये है कि तुम बुराई से रोक जाते हो अगर तुम तवक्कल से पढ़ोगे तो। सुनो ना सुनो ना, पहले सुनो ना, पहले सुनो ना, पहले सुनो ना। अच्छा बोलो, तवक्कल से अगर तुम तकवियत के साथ थोड़ा अल्लाह की, अल्लाह के डर से तुम अगर नमाज पढ़ोगे तब तुम्हारी बुराइयां रुक जाएगी, हदीस के मुताबिक बुराइयां रुक जाएगी। अगर कोई आके बंदा इधर इधर नमाज में रुका है और बिजनेस का प्लान सोच रहा है तो उसका उसका बुराई नहीं रुक पाएगी साहिल भाई। अच्छा फिर और उसकी आजमाइश जो नहीं, आजमाइश की बात हो गई है, आजमाइश आजमाइश में टेस्ट में ये पॉइंट रखना ये बिल्कुल इनवैलिड और इलॉजिकल है, नॉनसेंसिकल है, ये बात हो चुकी है। आजमाइश में सही गलत ये हो सकता है और अपना अच्छा काम बुरा काम ये हो सकता है, ठीक है। आजमाइश वाला पॉइंट तो इलॉजिकल है। अच्छा ये पॉइंट पे आते हैं अभी, जो आपने दूसरा आर्ग्यूमेंट रखा है कि नमाज पढ़ने से पूरी तकबीयत खुशू खुजू के साथ आदमी नमाज पढ़ता है तो वो बुरे काम नहीं करता, ये आपका आर्ग्यूमेंट था। मुझे ये बताइए कि नमाज पढ़ने वाले अक्सरियत जो है मुसलमानों की, वो पहली बात तो नमाज पढ़ती नहीं है। अगर अक्सरियत मुसलमानों की नमाज पढ़ने लग जाए तो जितनी मस्जिदें आज की तारीख में, अगर मैं इंडिया का एग्जांपल ले लूं, इंडिया में जितनी मस्जिदें हैं वो कम पड़ जाएगी। जिस तरीके से फ्राइडे के दिन जुमा के दिन मस्जिदें जो है वो कम पड़ जाती है, लोग रास्ते पे आ जाते, क्यों? क्योंकि वो एक दिन ऐसा होता है जहाँ पे एक 60% मुसलमान या 70-80% मुसलमान जो है वो नमाज पढ़ता है, फिर भी 30-20% फिर भी जुमा की नमाज भी नहीं पढ़ता है, लेकिन सिर्फ 50-60-70% मुसलमान मस्जिदों में आने से मस्जिदों में जगह कम पड़ जाती है रास्ते पे, ट्रैक पे। और अगर आप ये देखो अपना थंबनेल, वहाँ ट्रैक पे मैदान में ये करना पड़ता है। तो ये बात बिल्कुल हकीकत है कि सबसे पहले तो मुसलमान नमाज पढ़ते नहीं है, अक्सरियत जो पढ़ते हैं वो डर से पढ़ते हैं कि अगर नहीं पढ़ूंगा तो कयामत के दिन सबसे पहला मेरा सवाल यही होगा, वो डर के वजह से पढ़ते हैं। दूसरा अगर आगे, तीसरा अगर पढ़ते भी है तो वो पढ़ने में उनके वो इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि उनको अरबी से पहली बार समझ में नहीं आती, और जिसको अरबी समझ में आती भी है नमाज भी पढ़ता है वो, तो वो उसका ख्याल जो है यहाँ वहाँ जाता है। और नमाज पढ़ने से आज तक मैंने बुराई रुकते हुए नहीं देखा, क्योंकि अगर नमाज पढ़ने से बुराई रुकती तो जो नमाज पढ़ा रहा है, जो इस्लाम सिखा रहा है, वो मदरसों में गलत काम नहीं करता, ठीक है। अच्छा ये तो बात ये हो गई
कि नमाज पढ़ने से एक इंसान बुराई से रुक जाएगा, ये भी इलॉजिकल है। अब सेकंड पॉइंट सवाल मेरा ये है कि जो इलॉजिकल कैसे हो गई साहिल भाई, काम है मेरी, मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया तुम, ये है ना, क्यों क्या बोल सकते तुम, क्या है क्या नहीं है, मेरे बारे में सुने होगे तुम, एग्जांपल मेरी सुनो, मेरी बात सुनो, नमाज पढ़ के भी गलत काम करते हैं, ये प्रैक्टिकल जी, इसका इसका जवाब दूं मैं? हाँ जवाब दो। नमाज पढ़ के भी गुनाह इसलिए करते हैं कि इंसान गुनहगार है, गुनाह का पुतला है। एग्जैक्टली, तो नमाज पढ़ने से वो गुनाह से रुक जाएगा, ये तो बात आपकी गलत साबित हो गई। नहीं नहीं नहीं, नमाज से ही हो जाएगी ना, बिना नमाज के कैसे होगी साहिल भाई? अभी आप बिना नमाज के, नमाज पढ़ के भी इंसान क्योंकि गुनाह का पुतला है। तुम बोले पहले नमाज नहीं पढ़ते, तुम ही बोले इसमें कि तुम ही बोले कि नमाज नहीं पढ़ते मुसलमान, 90% नमाज नहीं पढ़ते, जो पढ़ते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तुम ये भी बोले अभी तुम ही मान लिए कि अरबी नहीं जानते, तुम ऐसे लोगों से बहस करते हो यहाँ। अरे भाई एक मिनट सुनो ना भाई, मैं सुना ना, मैं साहिल भाई तुम्हारे सुना ना, मैं सुना ना, पॉइंट टू पॉइंट सुनो मेरी बात, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दो कि नमाज पढ़ने से एक इंसान बुराई से रुक जाता है क्या? कसम से रुक जाता है, मैं जैसे बोला हूँ वैसे। कैसे? खुशू और खुजू और अल्लाह का डर और नबी की मोहब्बत से अगर नमाज पढ़ा। कितने लोग पढ़ते हैं? बहुत कम पढ़ते हैं ना, यही तो बात है, यही तो मसला है। एक परसेंट समझ लो, 1% पूरी दुनिया में 1% पढ़ते हैं। चलो मतलब जो अल्लाह ने जो कानून बताया है, सुनो मेरे साहिल भाई, एडम भाई को नहीं, एडम भाई बोलना चाह रहे हैं। एडम भाई कहां है? मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं भाई, एक मिनट, एडम किधर है? एडम एडम सीकर उर्दू लिखा। हां मैं ये निकालता हूं, मुझे लगा था संडे है तो शायद इस्माइल भाई ये प्राइवेट चैट में पता नहीं कौन से ब्लैक होल को फैला रहे हैं ये इनसे तो मैं अलग ही परेशान हूँ। ये लगता है भाई इस्लाम साहब की वीडियोस देख ली है, वो ब्लैक होल इनको भी समझ में आ गया है। एक बार देख तो रही, एक बार देख, कमेंट हाईलाइट कर दो यहाँ पे, मतलब फुल कंफ्यूजन। अच्छा एडम, मैंने जगह बना दी है, बाकी कोई ना जुड़े, एडम को जुड़ना है तो जुड़ सकता है। हाँ तो मेरे भाई, मैं अरे यार सैयद अबरार साहब आपसे बात हो गई ना अभी भाई, आप फिर से क्यों जुड़ रहे हो? प्लीज ना जुड़े, आपसे बात हो गई ना, आपको मौका दे दिया है। साहिल भाई थोड़ा जल्दी कीजिए, हमें टाइम हो रहा है। जी हाँ चलिए, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये जो आप बता रहे हो कि 1% लोग ऐसे होंगे दुनिया में मुसलमान, यानी पूरे कितने बिलियन मुसलमान है या जितने भी करोड़ मुसलमान है, उसमें से सिर्फ 1% मुसलमान है जो वाकई में सच्ची नमाज पढ़ रहा है। अच्छा उनका भी कोई भरोसा नहीं है, पहली बात तो वो इनको ढूंढ के लाना पड़ेगा कि किसको ये समझते, इनको कैसे पता चल रहा है कि ये इंसान जो है वो खुशू खुशू के साथ पढ़ रहा है, क्योंकि इसका कोई सबूत नहीं ला सकते है कि सामने वाला जो नमाज पढ़ रहा है इसके अंदर खुशू है क्या है। एक मैं एडम यार फटक से ज्वाइन करो, मैं जगह बना रहा हूँ, एडम फिर से ज्वाइन करो। अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या नमाज नहीं पढ़ने वाले अच्छा काम नहीं करते? नमाज जो नमाज नहीं पढ़ता, जैसे हिंदू नमाज नहीं पढ़ते, क्रिश्चियन नमाज नहीं पढ़ते, ये लोग अच्छा काम नहीं करते? करते हैं, बिल्कुल करते हैं, इस मुसलमान भी करते हैं ना, मुसलमान क्या गुनाह करके बैठे तुम्हें बिना नमाज पढ़ने वाले, बताओ। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये आप आर्गुमेंट दे रहे हो कि नमाज पढ़ने से, यार इधर बात करो ना भाई, वो आएंगे, वो छोड़ दो। नहीं आएंगे कैसा, जब स्टूडियो फुल हो जाएगा तो एमडी आयात भाई थोड़ा रुक जाओ, एडम आने के बाद में आपको लेता हूँ। अभी फिलहाल जो है कोई ना जुड़े, एडम को ज्वाइन होना है यार अरहान में, टीएन सीरीज, थोड़ा रुक जा मेरे भाई। हाँ एडम आ जा भाई। हाँ तो मैं ये आपसे कह रहा हूं कि मैं ये आपके सामने पॉइंट रखना चाह रहा हूं कि नमाज पढ़ने, इसको मैं ब्लॉक करता हूं, जल्दी आ जाना भाई।
बड़े जल्दी है भाई आपको, क्या बात है, आप तो नमाज का टाइम भी नहीं यार कौन सी। नमाज का टाइम भी नहीं था गालिब साहब, थोड़ा खामोश रहा करो, इधर बातें हो रही है ना। बहुत अच्छा, तुम्हें बहुत तुम टांग मारते हो हर दफा। हाँ, हर जगह जाते हो, टांगे मारते हो। हाँ मैं आपसे ये कह रहा हूं, हमारे क्या नाम है जीशान भाई, मैं ये आपके सामने पॉइंट रख रहा हूँ कि नमाज पढ़ने जी या जी ना पढ़ने से कोई इंसान अच्छा काम या बुरा काम करे, ये ऐसा नहीं होता है। नमाज नहीं नहीं पढ़ने वाला भी अच्छा होता है ना, रहता है, होता भी नमाज होता भी पढ़ने है, भी, नहीं होता भी है। दोनों पॉसिबल है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है आपका कि नमाज पढ़ने से एक इंसान बुराई नहीं करता है, ये एक इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है और ये ऐसा नहीं होता है दुनिया में। हम तुम्हारे लोग हिसाब से नहीं इलॉजिकल है ना, ये मेरे हिसाब से लॉजिक है ना। है ना, आपके हिसाब तो आपके हिसाब से कैसे लॉजिकल है? हमारे सामने लोग नमाज पढ़ते और लड़कियों को भी देखते हैं, चमड़ीगिरी करते हैं, सब काम करते हैं, हाँ वो गुनाह करते हैं, क्या करें उनको, वो तो इंसान नमाज है, पढ़ के गुनाह करते करते हैं, हैं। जहन्नम बना रहे हैं, अपनी जहन्नम बना रहे हो। नमाज नमाज पढ़ के कर रहे हैं ना, प्रॉब्लम ये है। तो नमाज ये पढ़ जो के आपका आर्गुमेंट देखो साहिल भाई, नमाज पढ़ के मैं बताया हूँ तुम्हें ऑलरेडी, इसका एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ मैं, 1% लोग क्या उतना ही अच्छा है, बहुत खासा खास नमाज नहीं पढ़ते हैं है? खास। नहीं, आप जो है वो 1%, आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये खुशू और खुशू देखो वाली नमाज पढ़ रहा है? कहाँ से लाए आपने 1%? देखो अभी मैं, मेरा ही एग्जाम्पल लो, मैं 26 साल का हूँ, अभी हाँ, तक मैं, आज तक मैं, मतलब आज तक मैं लड़की को बात नहीं किया, ये लड़की कहाँ से बात होता नहीं की, है जी? लड़की देखे लड़की को दे, क्लास में पढ़ते हैं तो फिर थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत बात छब्बीस वो साल में कौन दे, सी क्लास में, 26 साल में कौन सी जी क्लास में पढ़ रहे आप? कौन मैं हाँ, जी, जब मैं पढ़ रहा था तब बोला मैं, अभी तुम्हें ये मेरे को मैं पूछो मत, ठीक नमाज है? खुशू, नहीं, पूछना जरूरी है, अभी पता चल जाएगा कि तुम्हारे अंदर खुशू और खुशू वाली नमाज है, और हाँ तुमने ये हाँ माना जी कि जी तुमने खुशू और खुशू के साथ तुम नमाज पढ़ते हो और तुम्हारे हाँ अंदर कोई बुराई नहीं है नमाज पढ़ने का, जैसे इसके लिए पूछ रहा हूँ। नहीं आप कभी कोई गैर महरम को देखते हो? बुरी नीयत से नहीं देखते हम बुरी कभी नियत नहीं, आंख। गैर गैर यह सुनो सुनो मेरी बात सुनो, देखो बुरी नियत की नहीं पूछा मैंने, गैर महरम को देखना ही इस्लाम में हराम है। नहीं, कौन गलती बोला? से अगर पड़ जाए, यार अल्लाह कह रहा है कि हाँ अपने गलती से, को, हाँ गलती से पड़ जाए, वही वही सही बोले ना, सही बोले। हाँ, तो मैं कह रहा हूं कि आपने गैर महरम को कभी नहीं देखा? गलती से अगर पड़ जाए पहली गलती दफा, से नहीं बोल रहा हूं भाई, जानते बूझते हाँ गैर महरम को देखा है क्या नहीं देखा है? देखो जहां पर हम कौन से थॉट ऑफ क्लास से मैं पढ़ा हूं ना, वहां पहली नजर पे अगर पड़ गई तो सीधे आंखें नीचे करना है, अस्तगफार पढ़ना है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या पढ़। आप हाँ जी गैर महरम को देखते हो या नहीं देखते हो? मैं नहीं देखता, अभी नहीं देखता मैं, कभी अरे मैं कब अभी से नहीं नहीं देखता, देखते हो? क्लास में थी तब मैं देखा, बात किया, खत्म हो गया अच्छा, नोट्स के क्लास में लिए। थे। अच्छा, हाँ अभी आप गैर महरम को नहीं देखते हो, पक्का ना? हाँ जी बोलिए आगे, बात बोलिए तुम क्या, मेरे को पता है सब तुम्हारे ट्रैक्टिक्स, ठीक है चलो 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 बताइए बताइए अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हाँ, आप न्यूज़ जी चैनल देखते हो? जी न्यूज़ चैनल देखते हैं। अच्छा, न्यूज़ चैनल में जो फीमेल एंकर होती है उसको हाँ देखा है जी आपने? हाँ जी देखा है हमने, कैसे देखे? वो तो क्या नामहरम है आपके लिए न्यूज़ क्यों क्यों ना मेरा में, अरे चैनल? अरे अरे क्या 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 घुसड़ रहे न्यूज़ पे हो तो तुम, अरे ना मेरम देखो, कैसे हो गई, अगर वो न्यूज दे रही है, अगर हम हिंदुस्तान में है, अगर हम भाई वो ये बिना दारुल, पल्लों सुनो के, दारुल हरब है, ये दारुल इस्लाम नहीं है, ये तालिबान नहीं है, अफगानिस्तान। ओए हेलो मामू सुनो ना चाचा। हाँ एक मिनट जरा, जी जी आप ये कह रहे हैं कि जो न्यूज चैनल में जो लेडी बैठती है एंकर, वो आपके हिसाब से वो आपकी नामहरम नहीं है, वो महरम है नहीं आपकी, नहीं ना आप उसके मेहरम साथ ही बातचीत? है, गैर अभी कह मेहरम रहा, ही है वो। अभी कह रहा अरे नाम महरम अरे नहीं है क्योंकि न्यूज बताती है, आप कह रहा नाम महरम है। सुनो एक बाबा मिनट, सुनो चाचा, हाँ गैर मेहरम बोलो ही बाबा, है, बोलो मतलब बाबा, सुनो ना साहिल बाबा, सुनो साहिल बैठो भाई। बैठो बाबा, हाँ बोलो। अच्छा हाँ जीशान भाई, आप कहीं वो तो नहीं है जो एक बार आए थे, 5 लाख कमाते हैं आप, और आप वो डेटा साइंटिस्ट, मुझे ऐसा आपकी आवाज उनके जैसी लग रही है, वो नहीं, है क्या? तुमको सबको, तुम तो ऐसे ही सोचोगे ना, सब कुछ हर किसी को देखते हो डरते हो तुम अरे ऐसे। नहीं है, अरे
अरे नहीं है तो बोल दो मैं वो नहीं हूँ, अगर है तो बोल दो हाँ मैं वही हूँ। नहीं, तुम मेरे को क्या पता, पहली बार तुम्हारे से मुलाकात होगी भाई, कितने अरसों से मैं सोच रहा था, देख रहा था अच्छा तुम्हें। फर्स्ट टाइम है, ठीक है चलो। मुझे ये बताओ कि न्यूज़ चैनल में जो न्यूज़ एंकर गैर होती है, महरम है, गैर महरम है, तो क्या तो मैं ये जी दुगुना कर रहे हो आप, गैर महरम को कंटिन्यूअस देख रहे नहीं हो, नहीं वो न्यू अगर मेरी पुराने टाइम टीचर है, से जा तुम तो न्यूज एंकर को चले गए, मैं तो बोलता हूँ तुम अगर तुम्हारी उस्ताद अगर टीचर है, रहे हो। हाँ अगर उस्ताद तुम्हारी टीचर है, अभी क्लास में तुम इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो एग्जाम्पल, हाँ अगर हाँ टीचर है तो फिर उसकी क्या क्लास तुम आंखें बंद करके सुनोगे? कुरान कुरान के हिसाब से तो वही है, के हिसाब से बहुत है कुछ है, सूरे नूर की कुरान के बुक को हिसाब आप से दारुल हरम में कैसे जीना है अलग से बताया गया है, दारुल इस्लाम में बताओ कैसे जीना हो बताओ, क्या? ये मुझे बता दो कि दारुल हरब में एक गैर महरम औरत अगर वो न्यूज चैनल पे आए या आपको पढ़ाती है वो, तो आप उसको देख सकते हो, ये मुझे कुरान से बता दो, आप सही मैं जी गलत। जी मैं देखो एक बात बोलता हूँ तुम्हें, इस्लाम है ना पूरे कुरान और हदीस के साथ साथ हिकमत भी हदीस से बताई बता है। दो, चलो हदीस से हिकमत बता मैं दो, दिखाता हूँ तुम्हें, हदीस मेरे को उतना मैं माहिर हिकमत नहीं हूँ, मेरे हिकमत दिखाता हूँ, भाई सुनो ना सुनो ना, ओ जनाब सुनो, आपकी हिकमत नहीं चाहिए मुझे, मुझे मेरे को कुरान से हिकमत, हवाला मैं दो। हिकमत से इस्लाम को डिफाइन करूंगा नहीं तुम्हें, 2 मिनट में डिफाइन करूंगा मैं, नहीं कर सकते, ये जो नहीं कर आप सकता हूँ जो मैं, चैलेंज देता यार हूँ एक तुम्हें मिनट मैं। रुको, नहीं चैलेंज मत दो, आपका चैलेंज बिल्कुल गलत है, आपको चैलेंज देना है अगर तो आपको कुरान और हदीस से अपनी बात रखनी पड़ेगी, तब आप चैलेंज दे सकते हो, चैलेंज में आप फेल हो जाओगे। मेरी बात सुनो, कुरान साफ साफ कहता है मुसलमान मर्दों से कि अपनी निगाहों को नीची रखो और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करो, उसके बाद कुरान जो है वो लिस्ट बताता है कि किस किस के सामने आप जो है वो वैसे पर्दा नहीं करना है, ठीक है। जी अब इस कुरान की इस आयत को आप चैलेंज कर रहे हो, चैलेंज इन द जी सेंस हाँ आप एक एक्सेप्शन बता रहे हो कि ठीक है कुरान यहाँ तो बता रहा है आमतौर पे इन जनरल कि नहीं करना है, लेकिन इन इन मौके पे आप कर सकते हो, तो जब आप इस तरीके के दावे करते हो तो आपको कुरान या हदीस से वो दावा साबित करना पड़ेगा, आपकी हिकमत आपकी इंटरप्रिटेशन उसकी कोई वैल्यू नहीं, जीरो वैल्यू। कुरान जी से आपके पास आयत है कि दारुल हर्ब में आप न्यूज एंकर को भी देख सकते हो, ना मेरा तुम्हारे पास है ना, आपकी तुम्हारे पास हदीसें बहुत मौजूद रहती है ना, बहुत नहीं तुम ऐसी कोई दिमाग से हदीसें नहीं पैदल या अकल से बहुत हो बोलते, नहीं तुम नहीं हो तो मुफ्ती तारिक, मुफ्ती हो गया यासिर ना नदीम से टाटा जाओ भाई ना, भाई। अच्छा क्यों क्यों अच्छा चलो क्यों चलो क्यों चलो, भेज रहे हो, क्यों एक क्विट कर रहे हो? मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं इस मेरे इस चैनल के जरिए से मुफ्ती यासीन अदीम अलवादी साहब को चैलेंज करता हूं कि जीशान भाई ने जो ये बात बताई है, पहले तो उन्होंने कहा कि ये गैर महरम नहीं है, बाद में कहा गैर महरम है, नहीं तो हज पे भी लेके चले नहीं जाते नहीं नहीं मेरे साथ। देखो गलती इंसान चलो से थी, यार देखो एक मिनट, देखो टंग हो गई स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, हो सुनो गया ना, भाई, तुम अरे एक स्लिप ऑफ हो टंग गई, की तुम इतने मैं अरे तुम्हें हो कितने गई, काटूं मान पता है? लिया मान हाँ लिया, हो चलो, गई, मैं उस पे आपको नहीं हाँ पकड़ रहा, मैं नहीं भी पकड़ हाँ, तुम्हारा आएगा वक्त भाई, चलो बोलो बोलो हमारा हमारा दौर आएगा भाई, हमारा जमाना आएगा, आप टेंशन मत दो, हम वक्त नहीं, देख हम लेना जमाना अल्लाह का और दौर पहिया का उल्टा इंतजार चलता कर रहे है हैं, साहिल भाई, अल्लाह का चलो पहिया ही उल्टा चलता है, इसी वजह से हम कहते हैं कि ऐसे उल्टा देखो ना पहिया देखो चलाने वाले ना अल्लाह को कैसे रिवील मानते होता हैं। है, देखो ना धीरे धीरे इंशाल्लाह, चलो बोलो बोलो हाँ मेरे। निशान भाई, आज आप यहाँ पे ये बात आपके मुंह से निकल गई कि अल्लाह का पहिया जो है, मैंने कहा जीशान भाई ने कहा है, नहीं तो मेरे ऊपर जी गुस्ताखी के फतवे लगा देंगे, जीशान जी भाई जी ने यहाँ पे अभी कहा है कि अल्लाह का पहिया उल्टा चलता है, जी तो हम जी यही कहते हैं कि ऐसे उल्टा पहिया चलाने वाले खुदा को आप कायकू मानते, ठीक है ये एक साइड है। मैं तुम्हें क्या अब जीशान भाई के यार, माध्यम तुम से पैदल हो तो फिर सुनो, मैं कैसे समझाऊं तुम्हें, इस्लाम जिसको समझ में आती है ना अरे उसको ही अभी समझ में मैं आती है। आपने यासीन जी अदीम अलवाटी साहब की बात किया ना, मैं उनको चैलेंज दे दे रहा हूँ, जीशान भाई ने जो ये यहाँ तुम आके अगर दावा तुम किया, चैलेंज, अरे एक ये मिनट साहिल भाई, तो तुम्हारी सुनिए बात सुनिए ठीक है, एक मिनट तुम नहीं अगर तुम सुने, चैलेंज दे रहे हो तो यही चैलेंज दे दो थोड़ा सा तुम्हारे चैलेंज करने ढाई तो अंदर। दो, टैक्टिक्स ओके मैं तो चैलेंज दे ठीक रहा समझो, हूँ, मैंने इनको टैक्टिक्स म्यूट का किया है, मैंने चैलेंज इनको म्यूट किया है, एक मिनट इमाम साहब, मैंने इनको म्यूट किया है। मैं मुफ्ती यासीन अदीम अलवादी साहब या जितने भी उनके इंटेलेक्चुअल प्यादे हैं उन सबको चैलेंज देता हूँ कि जीशान भाई का कहना है कि अगर दारुल हर्ब है तो उसमें जो नामहरम औरत है उसको आप देख सकते हो, अब वहां पे कुरान का जो हुक्म है
कि अपनी निगाहों को नीची करो, वहां पे वो एक्सेप्शन हो जाएगा दारुल हाल। इस हिसाब से फिर आप जो है वो एक्ट्रेस को भी देख सकते हो, एड्स भी देख सकते हो, आप सब कर सकते हो। तो ये मैं चैलेंज करता हूं कि हमारे चैनल पे आए और इसकी दलीलें कुरान और हदीस से दे दे। मैं यहाँ पे आके मान लूंगा कि मुझसे गलती हुई थी और मुझे एक नई चीज सीखने को मिली। ये मेरा चैलेंज है। ठीक है। अब ये साहिल भाई, साहिल भाई मेरी बात सुनोगे? आपसे जो मैं क्या बोल रहा हूँ, अब डिस्कशन आपसे आगे ये होगा। हमारे हिसाब से आप जो न्यूज चैनल की एंकर को देख रहे हो, अच्छा मूवी देखते हो? नहीं 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 बोलिए। मूवी देखी ही नहीं? नहीं देखी नहीं मैंने। काजोल को देखे हो? किसको? काजोल? नहीं कौन, पता नहीं भाई मेरे को। तुम साहिल भाई तुम पॉइंट पे आ रहे हो नहीं? आप पॉइंट पॉइंट पे आ रहा हूँ। ऐश्वर्या राय? नहीं भाई नहीं देखे हमने। मियां खलीफा? साहिल भाई सीधे तमीजी से बात करो, मतलब मैं न्यूज देखो। मैंने ऐश्वर्या का नाम लिया, भाई को गुस्सा नहीं आया। मैंने काजल का नाम लिया, भाई को गुस्सा नहीं आया। हाँ? मियां खलीफा नाम से इनको ऐसा क्या समझ में आया कि ये बोल रहे कि यार तमीज से बात करो? थोड़ा बहुत देखो साहिल भाई, तुम हिंदुस्तान में हो, थोड़ा बहुत न्यूज तो पढ़ते हो भाई। तालिबान में क्या हो रहा है ये भी पता है तुम्हें, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है ये भी पता है। सुनो ना, हाँ क्या क्या क्या? मियां खलीफा को जानते हो क्या? नहीं जानते हो? अभी तुम्हें मैं नमाज की ये बात हो रही है या किसी क्या बात हो रही है, मतलब समझ में नहीं आ रहा मुझे। मियां खलीफा एक बहुत नेक औरत है। अच्छा, हिजाब भी पहनती है माशाल्लाह। हिजाब भी पहनती है, नेक बाकायदा जो है वो अच्छे अच्छे काम भी करती है। तो उसको आपने देखा है क्या? नहीं देखा है? नहीं जी मैंने नहीं देखा, कौन है पता नहीं। अच्छा अच्छा, ये जो न्यूज चैनल है इसमें तो न्यूज में तो बॉलीवुड की न्यूज भी आती है, तो आप ये कैसा कह सकते हो कि मैं कोई एक्ट्रेस को देखा ही नहीं? साहिल भाई तुम हदीस से बात कर रहे थे, हदीस इस्लाम की बात हो रही थी, तुम किधर जा रहे हो यार? किधर तुम किसी, अगर तुम्हारे साथ में चैलेंज नहीं हो पा रहा है तो मुफ्ती यासिर नदीम के पास जाओ ना। अच्छा एक मिनट जाओ ना, क्यों डरते हो तुम मुफ्ती यासिर नदीम से? क्यों डरते हो तुम? इधर क्यों बुला रहे हो चैनल पे चैलेंज करके? उधर जाओ ना, दम रहना। ये है मियां खलीफा हिजाब में, ये तुम मेरे को। अच्छा पता नहीं मुझे कौन है, ठीक थोड़ा सर्च कर लेना। अच्छा मुझे ये बताओ, आपने कहा कि जब आप कॉलेज में पढ़ते थे तभी नमाज खुशू से नहीं पढ़ते थे, तभी तो मूवीज देखते थे क्या? तभी भी नहीं देखते थे? नहीं भाई मैं नमाज पढ़ता हूँ बचपन से थोड़ा ज्यादा साहिल भाई, तुम्हारी तरह तो नहीं था मैं। तो कभी भी मूवी नहीं देखा आपने? नहीं देखा भाई मैंने। अच्छा चलिए फेस वैल्यू पे ले लेते हैं आपकी बात कि आपने मूवी नहीं देखी। जी जी ठीक है, लेकिन आप अभी आपसे बात तभी होगी जब आप ये साबित करोगे कि गैर ना महरम अगर आप दारुल हर्ब में है और नहीं नमाज की। ठीक है ठीक है, वो तो मुफ्ती यासिर नदीम को तुम चैलेंज कर रहे हो तो तुम जाओ उधर जाके बहस करो, मगर अभी आगे बात चलो। आगे नहीं हो सकती ना, क्योंकि मैं आपसे ये साबित करना चाह रहा था कि क्यों डर रहे हो क्या मुझे? अरे भाई मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि आपकी बात को मैंने कैसे रद्द किया। आपका ये दावा था कि जो खुशू और खुशू से नमाज पढ़ता है वो गलत काम नहीं करता है। मैंने यहाँ पे साबित किया कि आप और आप अपने लिए कहे कि मैं खुशू और खुशू से नमाज पढ़ता हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं करता। मैंने हालांकि आप फरिश्ते हो गए कि कोई गलत काम नहीं करते, ये एक सेपरेट आर्ग्यूमेंट है वो छोड़ दो, लेकिन मैंने यहाँ पे साबित किया कि अगर आप न्यूज भी देख रहे हो या यूट्यूब में आते हो तो वहां पे आपको कंडम का एड और गाने बजाने सब नजर आता है, आप उसको देख रहे हो, आपने गुनाह किया है, ये मैंने साबित किया। अभी आपके ऊपर पेंडिंग है जो आपने बताया था कि दारुल हर्ब में आप गैर महरम औरत को आप देख सकते हो, ठीक है, ये आपके लिए जायज है। चलिए नहीं मतलब मैं कैसे समझा रहा हूँ तुम्हें, समझिए साहिल भाई, समझने का भी एक मादा रखिए, ठीक है? तुम माचो की तरह मतलब बहुत ये करो मत, ठीक है? हम माचो ही है भाई, हम भी माचो है इधर, हम भी माचो है, एक वक्त में हम भी अथिस्ट थे, ठीक है? एक मिनट इमाम साहब मैं आपको मौका दे रहा हूँ थोड़े देर में, माचो किसको बोलते जो तुम किए ना अभी, एकदम ऐसे हाथ सर पे लगा के एकदम ऐसे परेशान हो जाते हो, ऐसे हाथ छाती अकड़ाते हो ऐसे,
ये क्या कर रहे हो तुम ऐसे ऐसे? ऐसे ये हाँ फिर दिशान भाई चलो हम छोटे हैं साहिल भाई, हम हमारी हमारी उम्र तुम्हारी उम्र से बहुत छोटी है, ठीक है? तुम्हें पता है ये, ठीक है? अच्छा एडुकेशन कितनी आपकी, क्या पढ़ाई की आपने? नहीं हम पढ़ाई नहीं किए भाई, एकदम मदरसे से फरागत है अपन की। अरे अभी मदरसे में आप वहाँ लड़कियों से नोट्स लेते थे क्या? नहीं 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 इधर इधर पढ़ के उधर भी गए हम, थोड़ा पार्ट टाइम में जाते थे। इंग्लिश पढ़ाई कितनी की? पार्ट टाइम की अपन ने। अरे क्या किए पार्ट टाइम में? वही जो रहता ना डिप्लोमा वगैरह की, डिप्लोमा किए ना। हाँ जी एक बात बोलूं, बुरा मत मानना जी, आपके माँ बाप के पूरे पैसे बर्बाद हो गए आपके डिप्लोमा कराने में। अच्छा अच्छा तुम यही बोल के तुम पैसे कमा रहे हो उधर, तुम लूट रहे हो? अरे तुम्हें नहीं पता क्या बाप गैरों से पैसे लूट रहे हो तुम इधर क्या? मेरे खामखा हमारी एजुकेशन तुम्हें लेके क्या करनी है? तुम्हारी एजुकेशन से बेहतर है अगर मैं सच बताऊ ना अपन की, तो तुम वो हो जाओगे, फिर जान दो रहन दो छोड़ दो। नहीं नहीं आज सच, आज सच, तुम बोलो अभी अभी तुम बोले थे साहिल बाबा सुनो ना अभी नमाज की बात हो रही थी तुम्हें नहीं हो रहा तुम। नहीं एक मिनट, आज चैलेंज हो जाए किसकी एडुकेशन ज्यादा है वो देख लेते हैं। मेरी एडुकेशन बीएससी कंप्यूटर साइंस है, मैंने न्यूरोथेरेपी का कोर्स किया है, मैंने कपिंग थेरेपी में मेरे पास डिप्लोमा है, ठीक है? साहिल भाई, साहिल भाई, साहिल भाई, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, प्लीज रुको। आज देख लेते हैं कि किसके पास जो है वो ज्यादा डिग्री है, ठीक है? मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस किया है, मैंने ओरेकल डीबीए किया है, मैंने न्यूरोथेरेपी किया है, मैंने कपिंग थेरेपी किया है, मैंने मसाज थेरेपी सीखा है, और कई सारे मैंने इस तरीके के अलग अलग जो है वो सर्टिफिकेशन भी किए हैं। ये मेरी है क्वालिफिकेशन, ठीक है? प्रोफेशनल और एडुकेशनल क्वालिफिकेशन। भाई आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? तुम नमाज की बात कर रहे थे इधर, इस्लाम की बात हो रही थी। नहीं 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 तुम डर रहे हो क्या? तुम डर रहे हो क्या? तुम डर रहे हो क्या? तुम डर रहे हो? देखो मेरे से ज्यादा है या कम है ये बताइए। 2500 के दो, 2500 देखने वाले पूरे तुम्हारे हो रहे इधर, पैसे वेस्ट हो रहे तुम्हारे। 2500 नहीं, मैं थोड़ी देर के लिए निकाल रहा हूँ, 3500 लोग देख रहे हैं। मैंने अपनी क्वालिफिकेशन बताई, आपको अपनी क्वालिफिकेशन बताना है। आपने कहा कि मैं आपसे ज्यादा, मैं अगर क्वालिफिकेशन मेरी बता दूँ तो आप ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि आपकी क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि भाई आपकी क्वालिफिकेशन क्या है जी? जैसे तुम चाह रहे हो ऐसे जवाब हम नहीं दे सकते, ठीक है? आप अपनी क्वालिफिकेशन नहीं बताओगे? नहीं बताऊंगा मैं, क्यों बताऊं तुम्हें? तुम क्या मेरे लिए हो क्या? एक मिनट, आप फिर आपने ये दावा कैसे किया कि मेरी क्वालिफिकेशन आपकी क्वालिफिकेशन से ज्यादा है? तुम जितनी समझदारी की बात कर रहे हो ना, इधर से उधर फ्लिप मार रहे हो, फ्लिप से फ्लिप इधर मार रहे हो, ये क्या कर रहे हो तुम? इधर इधर मेरे से सीधा बात करो ना तुम। इधर नमाज की बात कर रहे थे, नमाज की बात करो ना। नमाज नमाज की बात हो रही थी, नमाज की बात हो रही थी, नमाज। जाओ इसको निकाल दिया मैंने। ये इंसान असल में मैं इनसे जो है ना वो क्वालिफिकेशन इनका जानने की कोशिश मैं नहीं करना चाह रहा था। ये बंदा एक डायलॉग मारा इसने कि मेरी क्वालिफिकेशन अगर मैं सच में बताऊं तो तुम्हारी क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है, इस तरीके की ये बात करना चाह रहा था। तो ये बंदा जो है क्वालिफिकेशन वाइज ज्यादा पढ़ा लिखा है, लेकिन इसने झूठ ये बोला कि मैं मदरसे में पढ़ा हूँ, मैं डिप्लोमा किया हूँ सिर्फ। और फिर इसने ये दावा किया था कि मैं नमाज को खुशू और खुजू से पढ़ता हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं करता हूँ। तो भाई झूठ बोलना गलत काम है क्या नहीं है? एक लास्ट मौका दे रहा हूँ, झूठ क्यों बोला आपने जिशान भाई? साहिल भाई तुम क्यों झूठ बोल रहे इधर? आपने झूठ बोला या नहीं बोला? चलो मैं थोड़े देर के लिए, तुमने पहले झूठ बोला या नहीं बोला पहले बोलो। मेरे झूठ बोलने से आपका झूठ जो है वो सही हो जाएगा? देखो तुम लोगों को इधर देखो, लोग पूरे देख रहे हैं, सुनो ना। सही बोला था पहले ये, मैं पहले ये कंफर्म करो आपने झूठ क्या क्या बोला है प्लीज। तुम जो चाहते हैं वो सवाल का जवाब नहीं दे सकता इधर। तुम नमाज की बात करो, नमाज की मैं जवाब सीधे सीधे दूंगा मैं तुम्हें। सुनो ना, तुम्हारे को सवाल का जवाब नहीं आ रहा है।
अरे भाई पूरी दुनिया देख रही है, तुम झूठे साबित हो पूरी गए। दुनिया ठीक है मैं झूठा हूँ, चलो मैं झूठा बहुत खतरनाक नहीं हूँ, तुम बोलो मेरे को। नमाज की बात हो रही थी, नमाज की बात हो रही नमाज थी। पढ़ के, नमाज खुशु और खुजू के साथ पढ़ने के बावजूद आप झूठ बोलने से नहीं बच पा रहे हो, ये तुम आपका जो मेरे को दावा था। टेम्पर बहुत कर रहे हो। मेरी बात सुनो, मैं ये आर्गुमेंट मेरा प्रूव कर रहा था कि नमाज आप चाहे खुशु और खुजू के साथ पढ़ो या कैसे भी पढ़ो, आप गलती से नहीं बचते हो, आप गुनाह करते हो। ये मेरा पॉइंट अभी साबित हो गया जब इन्होंने ये बातें झूठ बोली अपने लिए, अपने बारे में। क्योंकि अगर एक बंदा झूठ से नहीं बच पा रहा है, खुशु और खुजू से नमाज पढ़ने के बावजूद, तो वो बाकी गलत काम भी करेगा। फिर ये जो आर्गुमेंट है कि नमाज पढ़ने से एक आदमी बुरे काम से रुक जाता है, तो ये तो फिर गलत साबित हो गया। सही है ना जीशान भाई? देखो साहिल भाई, मैं भी इंसान हूँ साहिल भाई, तुम भी मुसलमान थे, क्यों इतना तुम लोगों को उल्लू बना के आपने तुम झूठ पैसे क्यों कमा रहे हो? बोला, झूठ क्यों बोला यार? साहिल भाई तुम भी इंसान हो, कोई मैं भी अगर इंसान तो हूँ, मेरी बात सुनो ना साहिल भाई। झूठ बोले ना, साहिल भाई तुम झूठ बोले या नहीं बोले, तुम झूठ बोले ना, तुम फ्लिप मार के मेरे को टेम्पर किए ना, इंसान हूं मैं, गुस्सा नहीं इस आता मेरे वजह से को। झूठ, तुम इस वजह नमाज से की, अपनी जी जी क्वालिफिकेशन बिल्कुल, बताओ। तुम नमाज की बात करो इस ना। एक मिनट, इस वजह से तुमने झूठ बोले ना? जी जी बोला मैं, बस एक मिनट रुको, अभी अब क्या मुझे इंसान हूं, बताओ। गलत होता है भाई। एक मिनट भाई, मेरे भाई रुक जाओ। अभी गाइस, अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने ये कहा था कि जितने करोड़ मुसलमान हैं उसमें से सिर्फ 1% मुसलमान ऐसे होते हैं जो खुशु और खुजू यानी एकदम ध्यान के साथ नमाज पढ़ते हैं, और जो ऐसे बंदे होते हैं वो 1%, वो कोई गुनाह नहीं करते, वो बच जाते हैं गुनाहों से क्योंकि वो नमाज पढ़ रहे हैं। और यही नमाज का असल फायदा है कि एक इंसान बुराई से बचता है, ठीक है? ये इनका आर्ग्यूमेंट था। उस 1% में इन्होंने अपने आप को भी डाला था कि मैं भी कोई गुनाह नहीं किया। इन्होंने झूठ बोला, मैंने मियाँ खलीफा को नहीं देखा, मैंने काजोल को नहीं देखा, मैंने इसको नहीं देखा, झूठ। उसके बाद एडुकेशन बोला कि मैं मदरसे में पढ़ा हूँ, पार्ट टाइम डिप्लोमा किया हूँ, झूठ। बाद में इन्होंने कहा कि हाँ मैंने झूठ बोला। तो भाई तुम्हारी खुशु और खुजू वाली नमाज तुमको झूठ बोलने से बचा नहीं पाई, तो तुम्हारा जो ये दावा था वही गलत साबित हो गया। तो इस तरीके से भाई आप ये जो कहते हो ना, इसीलिए मैंने कहा था कि तुम अपने आप को स्मार्ट समझते हो लेकिन तुम हो नहीं। क्योंकि जब तुम हमारे सामने आके चालाकी करने की कोशिश करोगे, हम तुम्हारे मुंह से उगलवाएंगे कि तुम कितने बड़े झूठे हो या तुम्हारे आर्ग्यूमेंट्स कितने गलत हैं।